एचओडी और अभी डायरेक्टर है एट यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नोएडा में, और एसोसिएट डीन वैल्यू एजुकेशन एकेटीयू लखनऊ। भैया ने उनका जो एजुकेशन है बीटेक और पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी कानपुर कंप्लीट की है। भैया ने कुछ समय के लिए टाटा मोटर्स के साथ में थे और बाद में फिर उन्होंने एजुकेशन फील्ड को ज्वाइन किया है। लगभग 2001 से भैया यूएचयू के साथ में जुड़े हुए और बेसिक उसी तरह से एडवांस वर्कशॉप में और रिसोर्स पर्सन के रूप में सभी पार्टिसिपेंट्स को के साथ में कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, और उसी तरह से यूएचयू की जो बुक्स अभी आ रही है यूएचवी 2 यूएचवी 3 उसमें भी भैया का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो भैया आपका स्वागत है आज की शेयरिंग की। जी, इसके लिए धन्यवाद भैया। नमस्ते पुनः सभी को। तो मेरा जुड़ाव ह्यूमन वैल्यू से बीटेक के दौरान ही सेकेंड ईयर में हुआ था, जब मेरी मुलाकात गणेश जी से हुई थी, और तब से एक अनवरत प्रक्रिया बनी रही है स्वयं में जांचने और जी कर देखने की। उसी क्रम में बीटेक करते समय भी कार्यक्रम में शामिल होना हुआ। उसके बाद हम लोग ने एक सेंटर शुरू किया कानपुर में, वहाँ पर भी भागीदारी रही। उसके बाद ऐसा लगा कि शिक्षा में आकर इस काम को किया जाए, तो पुनः एमटेक और पीएचडी ज्वाइन किया, और उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी में शिक्षण कार्य करते रहे, और उसके बाद अभी यूपीआईडी नोएडा में है। एक क्रम चलता रहा है। स्वयं में जांचने का क्रम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और उसको जी कर भी देखने का एक क्रम बना हुआ है। अब अभ्यासों की अगर बात करें, तो अभ्यास एक में अगर बिंदुवार ढंग से चले तो स्वयं में स्टेप 1 में जो भाव के प्रति सजग होने की बात है, तो उसमें मुझे जब ये और काम अपने को करने के लिए शेफ दिखता है, तो जब ध्यान देता हूँ कि भाव के प्रति सजग होना है, तब तो भाव पे ध्यान ठीक से जाता है, अन्यथा विचारों में भी काफी सारा समय निकलता है। तो मुझे स्टेप 1 में अपने लिए काम करने की आवश्यकता दिखती है कि भाव के प्रति और सजगता बढ़े। जब भाव को मैं देखता हूँ तो उसका मूल्यांकन भी कर पाता हूँ, और ये पता लगता रहता है कि हाँ, कई ऐसे क्षण होते हैं जहाँ पे भाव सहज रूप से स्वीकार नहीं है और उसको और ठीक से देखने की जरूरत है, अपनी सहज स्वीकृति को ठीक से देखने की जरूरत है। स्थिति कभी सुखद कभी दुखद लगती है, तो ऐसा मैं देख पाता हूँ कि कुछ स्थितियां हैं जहाँ पे मैं अभी पूरी तरह से समाधानित अपने आप को नहीं पाता हूँ, और वहाँ पर मैं देखता हूँ कि स्थिति आराम की नहीं होती, परेशानी होती है। और कई सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें मैं देख पाता हूँ कि मैं आराम से वो सारे कार्य कर लेता हूँ या अपने आप में आराम में बना रहता हूँ। तो स्थिति का आकलन करते हुए मुझे स्वयं में कभी आराम और कभी परेशानी की स्थिति दिखाई देती है, बट ये देख पा रहा हूँ कि आराम की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बहुत सारे ऐसे अवसर जो पहले मेरे लिए कठिन थे, परंतु अब मैं उसमें सुखपूर्वक उसका निर्वाह कर पाता हूँ। ये जो बात है कि निर्णय मेरा है, ये तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और ये इनफैक्ट अभी नहीं, ये मुझे पहले से भी ये बात स्पष्ट है कि निर्णय तो मैं ही लेता हूँ। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी है, ये बात तो मैं बहुत पहले से ही देख पा रहा था कि अपनी जिम्मेदारी स्वयं की जिम्मेदारी, इसलिए अपने ऊपर काम करना है। बट अपने ऊपर जो काम करने की बात है, उसमें भाव के ऊपर किस तरह से काम करना है, ये बात बहुत स्पष्ट नहीं होती। आज के दिन भी मैं कहूँगा कि भाव का चिंतन कैसे होगा, ये अपने लिए अभी ओपन है। कौन से भाव चिंतन में आएंगे, किस प्रकार आएंगे, ये बात अपने लिए ओपन सा लगता है। उसको स्वयं में देखने की बात है, तो प्रयास चलता रहता है। तो निर्णय वाले भाग में देखूं तो ये मैं अपने आप में देख पाता हूँ कि निर्णय मेरा है। इनफैक्ट जो भी मैं स्थितियों से गुजरता हूँ, उसमें मैं अपने अंदर शिकायत को नहीं रख पाता किसी के प्रति, बल्कि स्वयं में ही अपनी जिम्मेदारी को देख पाता हूँ। आधार को देखें तो समझ अभी आधार में नहीं है ज्यादातर समय। इनफैक्ट समझ को कहें तो चिंतन बोध क्रिया जागृत होना, अनुभव तो उसके और बात ही क्रिया है। तो उसके आधार पर भी समझ को कहें तो वो नहीं दिखाई देता, परंतु जो इच्छा के स्तर पे समाधानित रहना है वो काफी हद तक बना रहता है।
परंतु मान्यताएं बनी हुई हैं और ये मान्यताएं तब तक बनी ही रहेंगी जब तक कि चैतन्य चैतन्य की तरह, जड़ जड़ की तरह, चैतन्य जड़ की परस्परता और इनकी संपृक्तता पूरी तरह से स्पष्ट ना हो जाए। तो कुछ ना कुछ माना हुआ है, उसको और बारीकी से देखने की जरूरत है। कौन सा भाव सहज स्वीकार है? तो संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव, सहस्तित्व का भाव सहज रूप से स्वीकार है। ये बात तो अपने आप को दिखाई देती है, परंतु संबंध को ओपन अप करते हुए अभी काफी काम अपने में करते हुए करने की जरूरत दिखाई देती है। ये जो सुबह का सत्र है, इसमें एक अच्छा अवसर मुझे मिलता है कि जब मैं अपनी बात रख रहा होता हूँ या दूसरों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा होता हूँ, तो उस समय मेरा भी ध्यान बहुत ठीक से जा पाता है संबंध के प्रति। और ये जो कई बार प्रश्नों के उत्तर में मैं बात रखता भी हूँ कि इस बात को अपने आप में देखें कि क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, ये मुझे संबंध के चिंतन के लिए एक मौलिक बात लगती है। इसको अपने आप में बार बार देख पाना, इससे मैं देख पाता हूँ कि इच्छा के स्तर पे भी परिवर्तन दिखाई देता है। तो जब भी कोई संबंध को लेकर कठिनाई होती है और अपने आप में मैं इस बात को देखता हूँ कि क्या मैं दूसरे को सुखी ही करना चाहता हूँ, तो मेरी पूरी कल्पनाशीलता बदलने लगती है। तो अगर हम इस बात को देखें तो संबंध का भाव सहज स्वीकार है, ये तो निश्चित है। वैसी व्यवस्था का भाव, व्यवस्था के भाव में भी दो प्रकार से मुझे कल्पनाशीलता में बात चलती है। एक तो इकाई की जो स्वयं में व्यवस्था है, दूसरा जो मानवकृत व्यवस्था है। मैं देखता हूँ कि मुझे कल्पनाशीलता में इन दोनों भागों को लेकर विचार चलता रहता है। तो इकाई की स्वयं व्यवस्था का अगर मूल रूप देखें तो अस्तित्व है, कि इकाई है और बनी रहेगी, ये बात मुझे अभी भी सहज रूप से दिखाई देती है। उसके साथ प्रकृति की व्यवस्था भी स्पष्ट होती है। इसमें ये कहूंगा कि किसी क्षण में मुझे मैं और शरीर का अलग अलग होना स्पष्ट हुआ, इससे मुझे प्रकृति की व्यवस्था सहज रूप से काफी हद तक स्पष्ट रहती है। तो मुझे व्यवस्था का भाव ही सहज रूप से स्वीकार होता है, ये भी बात ठीक है। सहस्तित्व की ओर ध्यान अभी कम जा पाता है, संघर्ष नहीं बल्कि सहस्तित्व ही स्वीकार होता है, ये तो बात ठीक है। परंतु सहस्तित्व क्या है, कैसा है, इस पे और ध्यान देने की जरूरत है। सुनिश्चित करने की जो बात है, तो ये काम समय चलता रहता है। स्वयं में मैं संबंध के भाव को, व्यवस्था के भाव को, सहस्तित्व के भाव को सुनिश्चित कर पाऊँ और इसको मैं हर क्षण सुनिश्चित कर पाऊँ। और मैं अपने लिए एक जो गाइडलाइन देखता हूँ, जिसको मैं कई बार वे भी रखता हूँ अपने लिए, कि स्वयं में व्यवस्था और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी हर क्षण, तो इसके लिए मेरा प्रयास चलता रहता है कि स्वयं में व्यवस्था बनी रहे और अपने से बड़ी व्यवस्था के अर्थ में ही मेरा समय का सदुपयोग हो, ये भाव मेरे अंदर बना रहता है। इतनी बात मैं अभ्यास एक को लेकर कहना चाहूंगा। अभ्यास दो में अगर कहें तो मैं और शरीर को अलग अलग पहचान पाना, तो ये बात मेरे देखने में है, इसलिए मुझे मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, ये हर क्षण स्पष्ट रहता है, इस पर कोई शंका नहीं होती। हर क्षण मैं देखता नहीं हूँ, देख पाता नहीं हूँ, उसके लिए मैं देखा हूँ कि अगर फिर से मुझे देखना हो तो मुझे अलग से थोड़ा समय चाहिए, जब विचारों का क्रम थोड़ा बदले और मुझे अपने ऊपर ध्यान देने का अलग से समय मिले। खास तौर पर जैसे विपश्यना या ऐसे मौके जब आते हैं, जब मुझे मौन रहकर अपने आप में समय लगाने का अवसर मिलता है, ये बातें ज्यादा स्पष्ट रूप से मैं देख पाता हूँ। सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो एक बार मैं और शरीर का अंतर स्पष्ट हो जाए तो फिर वो विश्लेषण पूर्वक ये बात तय हो जाता है। परंतु ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, इसको अलग से जो देखने की बात है, जब जब ध्यान देते हैं दिखाई देता है और निर्णय मैं लेता हूँ, ये बात तो मुझे अभ्यास एक में भी स्पष्ट रहता है और यहाँ पे भी स्पष्ट रहता है कि निर्णय मैं लेता हूँ। संवेदना को जो पढ़ना है, इससे मुझे भी काफी काम करना है, क्योंकि दिनचर्या में इसको संवेदना से अपने को अलग देखने का जो काम है, ये हो नहीं पाता। और इसलिए मैं पाता हूँ कि जो बाहर से मिलने वाली सूचना है, वो मेरे कल्पनाशीलता को प्रभावित करती रहती है। जो शरीर में प्रभाव पड़ता है, वो मुझे कल्पनाशीलता को प्रभावित, मेरी कल्पनाशीलता को प्रभावित करती रहती है। तो इसमें मुझे काम करना है अपने आप में, कि संवेदना से दूर रहते हुए संवेदना को मैं
पढ़ता हूँ, मेरे शरीर, मेरे और शरीर के बीच दूरी है। ये बात भले स्पष्ट है कि मैं और शरीर अलग है, परंतु इसको अपनी दिनचर्या में देखते रहना, इस संवेदना मुझसे अलग है, इससे मुझे काम करना है। अर्थ मैं देता हूँ, ये मुझे पूरी तरह से स्पष्ट है कि अर्थ तो मैं ही देता हूँ। और जब मैं अर्थ को देने की बात करता हूँ तो अपने संस्कारों की ओर ध्यान जाता है। कुछ चीजें हैं संस्कार रूप में जिसको मैं देखकर अपने आप में काफी हद तक रिजॉल्व कर पाया हूँ, बट कुछ संस्कार हैं जिसे मुझे काम करने की जरूरत है। जिसे मुझे अपने आप से कभी कभी लगता है कि मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं इसको सीरियसली नहीं ले रहा। मुझे लग रहा है ठीक अभी चल जा रहा है काम, है ना, परंतु इसकी आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता नहीं बनी है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो तीव्र इच्छा बने उस चीज को देखने के लिए, इस पे मुझे काम करने की जरूरत है। तो कई सारे ऐसे संस्कार हैं जो हावी होते हैं और मैं देखता हूँ कि जीना बना हुआ है सुगम रूप से, तो मैं अभी उनको इग्नोर करते हुए चलता हूँ। परंतु यदि उस पर ठीक से ध्यान दिया जाए तो उसका मूल्यांकन ज्यादा ठीक से हो सकता है। उसके लिए अभी मेरी इच्छा कई बार ऐसा लगता है उतनी तीव्र नहीं बनी है। प्रतिक्रिया पूर्वक या जिम्मेदारी पूर्वक जीने की जो बात है, तो अब मैं अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा बेहतर ढंग से देख पाता हूँ। तो जब मैंने फॉर एग्जाम्पल जब ये कॉलेज ज्वाइन किया था तो एक फैकल्टी के रूप में था और मुझे कॉलेज चलाना एक बड़ा ही कठिन सा काम लगता था। कोई जो चला रहे हैं बड़े कठिन काम कर रहे हैं, परंतु जब से मुझे ये डायरेक्टर का पद मिला और मैंने देखा कि इस पूरे समाधान के साथ कॉलेज चलाना मेरे लिए बड़ा ही सहज सा काम हो गया है और मैं उस पूरे वातावरण पे काम कर पा रहा हूँ, संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक। तो ये जो स्वयं में जिम्मेदारी का भाव भी बढ़ना और जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर पाना, ये बात मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। और मुझे अब इसके जो समाज में भी जो जिम्मेदारियां हैं उसका भी स्वरूप ज़्यादा ठीक से स्पष्ट होता है। तो अपने संस्कारों में कुछ तो परिवर्तन जरूर हुआ है, जिसके आधार पर मैं ज्यादातर परिस्थितियों में जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ, प्रतिक्रियाएं मेरी कम होती हैं। और मैं थोड़ा सा जो मैं अपनी बात रखते समय कहता भी हूँ कि बिल्कुल फ्रेश देखिए इसको। तो कुछ चीजें हैं जिसको मैं पहले से माने हुए था कि ऐसा होना चाहिए, एक परिवार ऐसा होना चाहिए या संबंध का ऐसा स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो प्रचलित मान्यताएं हैं समाज में उससे जुड़ी होती हैं, उसको भी ओपन अप कर देने से जो मूल तत्व है संबंध का, मैं से मैं का संबंध, ये ज्यादा स्पष्ट होता है। तो जिम्मेदारी पूर्वक जीना, स्वतंत्रता पूर्वक जीना, ये भाव मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है, ये मैं अपने आप से देख पाता हूँ। तो चाहे दूसरे व्यक्ति का व्यवहार हो, बाहर की भौतिक रासायनिक घटनाएं हो या शरीर में होने वाली घटना हो, इस पर प्रतिक्रियाएं कम होती जा रही हैं और स्वयं में इन सब के साथ मैं सुखपूर्वक जी सकता हूँ, इसकी आश्वस्ति मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। मेरा होना शून्य में बना हुआ है, इनफैक्ट शून्य पर ध्यान देने का अभी उस तरह से प्रायोरिटी नहीं बन पाया है जो तो मुझे लगता है कि बनना जरूरी है। उसके लिए भी मेरी कोई ऐसी तीव्र इच्छा भी नहीं बन पाती है। कभी कभी ध्यान देते हैं तो कुछ पता लगता है कि हाँ ऐसा है, परंतु वो आकस्मिक ही कभी कभी होता है और सामान्य रूप से नहीं हो पाता। इस पर मुझे अपने आप में ध्यान देने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। फिर व्यस्तताएं भी इस प्रकार से हो जाती हैं कि सुबह से लेकर मैं देखता हूँ रात तक सोने तक कोई ना कोई पहले से एक निश्चित कार्यक्रम बना रहता है, तो उसके साथ उसके बीच में समय निकालना कई बार मुश्किल पड़ता है, क्योंकि जब काम बहुत सारे बने रहते हैं, जब आपके पास खाली समय भी रहता है तो आपके पास वो कामों की लिस्ट कल्पनाशीलता में आ जाती है और बहुत सारा जो पेंडिंग टास्क है वो अपनी कल्पनाशीलता में आ जाता है। तो जैसे ये संवेदना से अपनी दूरी को देखना, शून्य पे ध्यान देना, या अपने संस्कारों को ठीक से नोट करके परिमार्जन के काम करना, इस पे मुझे और समय लगाने की जरूरत है। अगर छुट्टी का दिन नहीं मिलता है तो मैं देखता हूँ कि थोड़ा शरीर की भी थकावट रहती है और परिवार के लिए भी समय देना आवश्यक रहता है। तो मैं अपने आप में कुछ चीज़ों पे तो देख पाता हूँ कि समय कर पा रहा हूँ। जैसे एक निर्णय मेरे अंदर ये बना रहता है कि मुझे हर संबंध में न्याय करना है, तो उसके लिए मेरा प्रयास चलता रहता है कि हर संबंध में ठीक ठीक मूल्यांकन करना है, उभय सुख सुनिश्चित करना है। और मैं इसका फलन भी देख पाता हूँ कि लोगों से जब रिफ्लेक्शन आते हैं,
कई बार मैं ये भी देखता हूँ कि मेरा मूल्यांकन अभी दूसरे को स्पष्ट नहीं हुआ है, परंतु जब वो परिस्थिति बीत जाती है और कुछ समय बाद फिर लोगों को ज्यादा स्पष्ट होता है कि मेरा मूल्यांकन वहाँ ठीक था, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो संबंध में न्याय को सुनिश्चित करना ये मेरे लिए एक प्रायोरिटी है और मैं इसके लिए काम करता रहता हूँ। वैसे ही समृद्धि के भाव पे मैं बहुत सारा विचार करता हूँ और मुझे लगता है कि हम सभी साथी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वो भी समृद्धि को लेकर जरूर अपने आप में कल्पना में बहुत सारा विचार करते रहते हैं, तो उस पर भी ठीक से बात होनी जरूरी है। और आगे कभी अवसर मिलेगा तो उस पर कभी बात करेंगे। ये भी सोचा जा रहा है कि मंथली कीनोट लेक्चर में या अन्य अवसरों पर कभी उससे बात करेंगे। तो मैं स्टेप 7 अभ्यास 2 का अभी साफ साफ नहीं देख पाता हूँ, अन्य स्टेप्स को तो मैं अभ्यास 1 और 2 में देख पा रहा हूँ। सुख स्वभाव या प्रभाव, तो वैचारिक रूप से तो स्पष्ट है कि सुख स्वभाव है, परंतु तो मैं देखता हूँ कि जब शरीर थका हुआ रहता है या विचारों में कुछ उलझन बन जाती है तो बाहर से कोई अनुकूल संवेदना लेकर मैं अपने आप में आराम पाने का प्रयास करता हूँ। तो सुख स्वभाव है ये वैचारिक रूप से स्पष्ट है, ध्यान देने पे भी स्पष्ट होता है, परंतु प्रभाव की आवश्यकता कई बार बनी रहती है। अब उसका भी कोई विकल्प निकले, है ना, इस पे मैं काम कर रहा हूँ अपने आप में कि ऐसे अवसरों पर बाहर से अनुकूल संवेदना पाने के बजाय कैसे मैं शरीर के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर पाऊँ या स्वयं में समाधान को सुनिश्चित कर पाऊँ। कार्यक्रम मैंने बताया तो कार्यक्रम तो बना ही रहता है। अभी कुछ ऐसा हो जाता है कि सुबह 1 घंटे का जो सत्र चला, फिर हम लोग का एडमिन ग्रुप का मीटिंग होता है वो करीब 9 बजे तक चलता है, फिर तभी कॉलेज के लिए निकलना होता है। कॉलेज में जाने के बाद कब 3-4 बज जाता है ये पता नहीं चलता, फिर उसके बाद घर आए तो फिर बच्चे के लिए समय देना है, हमें निर्धारित किया हुआ है कि इतना समय तो बच्चे को देना है, फिर अपने भी कई सारे काम रहते हैं। तो बट पूरा प्रयास ये बना रहता है कि सुख को स्वभाव के रूप में देख पाए। तो प्रायोरिटी तो अपने आप में बनी रहती है, और कैसे जैसे मैंने न्याय की बात की तो चिंतन में संबंध स्पष्ट हो जाए इस बात के लिए प्रयास चलता रहता है। वैसी गाय की स्वयं व्यवस्था तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक स्पष्ट है, परंतु ये जो मानवकृत व्यवस्था है उसको लेकर बहुत सारा विचार चलता रहता है। जैसे समाज की व्यवस्था में बहुत सारे अभी जो ज्वलंत मुद्दे बन जाते हैं तो उसमें कैसे समाधान निकले, क्या इसका समाधान हो, मेरी क्या भागीदारी हो सकती है ऐसे अवसरों पर, उसको लेकर ही विचार चलता रहता है। तो अनुकूलता के लिए तो प्रयास नहीं है, प्रयास है कि स्वयं में सुख का स्रोत बने। चैतन्य के विकास के लिए मुझे ये बात स्पष्ट रहती है कि अल्टीमेटली शरीर यात्रा का प्रयोजन मेरा विकास है, शरीर तो साधन मात्र है और उसके लिए मेरा प्रयास चलता रहता है। समझने के लिए समय लगा रहे हैं, है ना, परंतु मुझे ऐसा दिखता है कि उसमें और प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है और ज्यादा समय लगाने की जरूरत है। सामाजिक जिम्मेदारी और भागीदारी के लिए भी और समय लगाया जा सकता है। अभी थोड़ा व्यवसाय की व्यस्तता है, परंतु जैसे और समय मिलता है और ज्यादा समय लगा सकते हैं। अब ये भी विचार बनता है कि हम लोगों ने अपने देश में हायर टेक्निकल एजुकेशन में ठीक से काम किया है, हायर एजुकेशन में काम सहज रूप से हो सकता है, उससे आगे बढ़ते हुए प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में भी काम हो सकता है, अब इसको विश्व स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी विचार चलता है। और इतनी बात मैं अपने स्वयं को मूल्यांकन में रखना चाह रहा था। जी जी धन्यवाद भैया। भैया आपको तो मतलब रिसोर्स पर्सन के रूप में तो हम सुनते ही, लेकिन आज विद्यार्थी के पांव के रूप में आपने जो बातें रखी हम सभी के लिए काफी प्रेरणादायक है। धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया, बहुत बढ़िया शेयरिंग रही, बहुत मार्गदर्शी रही। एक प्रश्न था भैया, क्या आपने जो कहा कि मैं स्वयं में और शरीर में फर्क देख पाता हूँ, तो आपको ये मतलब देखने में कौन सी चीजें मतलब उपकारक रही और ये देख पाना कैसे संभव हुआ, मतलब ये जर्नी रही होंगी, और ये देख पाने के लिए स्पेस को देखना जरूरी है क्या? मगर आपने अपने एक्सपीरियंस में कहा है कि स्पेस मतलब शून्य को देख नहीं देख पाते हुए भी आप ये देख पा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन ज्यादा मिलेगा तो अच्छा रहेगा।
जी, इसके लिए शून्य को देख पाने की योग्यता की जरूरत नहीं भैया, ये तो मैं जब अपने आप को शरीर से भिन्न एक इकाई के रूप में देख पाता हूँ तो स्पष्ट हो जाता है। तो ये दिखता है कई बार अगर हम ठीक से ध्यान दे पाते हैं अवसर निकाल कर, कि उसी स्थान पे शरीर भी बना हुआ है, मैं भी बना हुआ, स्थान में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि शरीर से अपने स्थान को थोड़ा सा शिफ्ट करके देखा जा सकता है कि देखो ये मैं नहीं हूँ, जो है ये तो शरीर है और मैं ये रहा, तो इस रूप में अपने आप को देख पाते हैं, ये हो जाता है, इसके लिए शून्य को देखने की जरूरत नहीं है। जी, और वो देखने के लिए मतलब अपने मैं हूं और शरीर अलग है, इसका आधार आप मतलब ये सीधे सीधा देखना है, मगर इसका आधार क्या आप ये देख पा रहे हैं? इसका आधार आप कैसे देते हैं, खुद को या? नहीं, इसमें आधार की तो बात नहीं है, मैं हूँ और शरीर है, आधार अगर जाए कि किस प्रकार से मैं क्रियाशील हूँ, ऊर्जित हूँ, तब शून्य को देखने की जरूरत है, बट मेरा होना तो मुझे स्पष्ट रहता है कि मैं हूँ, मतलब ये किसी को भी स्पष्ट हो सकता है कि मैं हूँ, मैं हूं ये है, मगर शरीर से अलग हूं ये। वही किसी क्षण में अगर आपका शरीर से अलगाव दिख गया तो आपकी स्मृति में बना रहता है, जी फिर आपके अंदर कोई विचार अपने आप को शरीर मानकर नहीं चलता। जी हाँ, बट इससे ऐसा नहीं कि सुख की स्पष्टता हो जाती है, संबंध की स्पष्टता हो जाती है, इससे इतना तो जरूर हो जाता है कि मैं शरीर की स्पष्टता होती है, बट सुख का स्रोत क्या होगा इस पर शोध कार्य चलता रहता है। जी और उनका कनेक्शन भी दिखता रहता है, मतलब जुड़े हुए हैं जो शरीर और, जैसे हाँ, कि आपने उसके अंदर कहा कि देखिए, एक बार हमने देख लिया, मान फॉर एग्जाम्पल किसी ने भी देख लिया कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, तो बात तो स्पष्ट हो गई, बट अब जुड़ाव किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार सूचना का आदान प्रदान है हो रहा है, अब ये तो भिन्न भिन्न अवसरों पर और ठीक से देखने की जरूरत है। तो आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिक्स क्लियर हो गए, ठीक है ना, बट अप्लीकेशन साइड पे जाते हैं तो अप्लीकेशन साइड को और ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो जी, बेसिक्स क्लियर हो गए, अप्लीकेशन को ऑब्जर्व करते रहते हैं। क्योंकि कभी कभी मन में जो ख्याल आता है भैया कि वो शरीर नहीं है और मैं हूं, ये स्थिति का मुझे अनुभव या याद नहीं है, ऐसा लगता रहता है, और तब ये कैसे हम मतलब बहुत ये कह सकते हैं कि या मैं और शरीर अलग हूं, ये एक सवाल बना रहता है मन में वही, वो तो। तो देखने की बात है, उसको जिस क्षण में हम देख पाएंगे वो स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, अल्टीमेटली सारा मुद्दा तो शुद्ध दृष्टा के रूप में देखने की बात है, जी भैया, और जी, एक बार तो देख जितने भी पाए देख तो वो सकते हैं रहेगा देख अपने सकते हैं। साथ, है ना, मतलब तो सच में जब देख पाएंगे तो वो बात रहेगी, उसको फिर सवाल नहीं आएंगे। हाँ, इस मुद्दे पे सवाल नहीं आएंगे, बाकी सूचना का दान प्रदान कैसे हो रहा है ना, मेधस में क्या हो रहा है, बाकी अंग में क्या हो रहा है, अब ये सब आगे शोध का विषय है अपने लिए। जी, और जैसे आपने कहा कि जब थकान होती है तो हम बाहर की सूचना से या संवेदना से ऊर्जा ले लेते हैं, ये भी ये सूचना की आदान प्रदान का ही हिस्सा हो गया है ना। हाँ, हो गया भैया धन्यवाद, कुछ विशेष सूचना है ये देखने के लिए, इच्छा शक्ति जी। के मतलब कुछ ये अलग अलग देख पाने के लिए कुछ विशेष सूचना है या ये कुछ है क्या, या वो इच्छा शक्ति और देखने की ही बात है, कुछ मतलब कुछ चीजें मदद कर सकती है खास करके इसके लिए। देखिए, इसमें मुझे सूचना की आवश्यकता और नहीं लगती, ये इच्छा की तीव्रता बनना ही मुख्य बात है, कि तीव्र इच्छा बन जाए, वहां पर जी, मुझे वो प्रायोरिटी स्पष्ट हो जाए, है ना, उस क्षण में मुझे दिखे कि यही मेरे लिए, और यही मेरे लिए करने वाला काम है, और कोई काम नहीं है। तो दिनचर्या में आमतौर पर ऐसा कोई क्षण नहीं आता जिसमें हम कहें कि यही देखना मेरे लिए काम है, बट यदि हम थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने का अवसर निकालें तो हो सकता है कि बात कहीं ना कहीं इच्छा में आ जाए, जब आएगा तो दिख जाएगा। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बढ़िया भैया, आप बहुत स्पीड बात करते हो, इससे किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कि आप इतना जल्दी बात कर देते हो, मतलब स्पीड से बात करते हो, मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जर्नल लिखते हो क्या, और अगर लिखे तो उसका यूज क्या था। और तीसरा क्वेश्चन ये था, मैंने आपको आपके बारे में सुना भी था, आप इनिशियल डेज से बहुत
मेहनत करके इसको रिसर्च किया आप, क्योंकि वो इनिशियल डेज था, जैसा अभी आपने बताया इच्छा नंबर नंबर वन प्रायोरिटी हो गई है, लेकिन आजकल उतना ही टाइम देते हो जितना इनिशियल डेज में दिए हो या नहीं दे रहे हो, और आपके परिवार क्या महसूस करती है या फील करती है, आपका इतना योगदान इसी में जा रहा है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आपने वर्ड दिया था मेरे को, इसको अगर फैलाते हैं या इसको मेन स्ट्रीम में लाते हैं, जैसे IQ की टेस्ट हो गई, UQ की भी टेस्ट हो सकती है, इससे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, इसके माध्यम से इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया जा सकता है या किया जा रहा है? थैंक यू जी। तो जो तेजी से कहने की बात है, तो मैंने 20 मिनट का समय लिया, लगभग हम उतना ही समय मानते हैं शेयरिंग के लिए, बट यदि और आराम से रखना था तो और विस्तार से मैं रख सकता था, परंतु मुझे समय की सीमा लग रही थी इसलिए मैंने रखा। जर्नल लिखने की जो बात है, तो मेरा शुरू से अभ्यास रहा है ये, मैं जब से जुड़ा 96 की बात कहूँगा मैं, तब से मैं अपने लिए एक डायरी लिखता था, तो वो मैं लिखता रहा, और शुरुआती दिनों को मैं अभी भी उठा के पढ़ लेता हूँ तो मुझे दिखता है कि मेरे पहले की स्थिति क्या थी। इन दिनों मैं नहीं लिखता हूँ, बहुत सारा कल्पनाशीलता में ही मैं अपने आप में नोट कर लेता हूँ, बट मैंने फिर भी ड्राइव पे एक वर्ड फाइल ओपन की हुई रखी हुई है, जिसमें मैं समय समय पर लिखता रहता हूँ, तो जो मेजर इश्यूज हैं उसको लिखता रहता हूँ, जो क्षण क्षण में ऑब्जर्व करने की बात है उसको मैं स्वयं में ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो ड्राइव पे मैं कई बार सजेस्ट भी करता लोगों को कि आप ऐसे ही में फाइल में कहीं मत रख लीजिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ लेगा, इस कारण से हो सकता है आप सारी बातें ना लिख पाए, तो जो भी आपके अंदर चल रहा है आप उसको ड्राइव में एक पर्सनलाइज ईमेल आईडी के साथ जोड़कर एक वर्ड फाइल ओपन कर लीजिए, उसमें लिखिए, और आप उसको देखेंगे तो अपने बारे में स्पष्टता भी बनेगी। तो ये तो मैं अभी भी करता हूँ टाइम टू टाइम, बहुत रेगुलरली नहीं, उसकी अभी आवश्यकता नहीं लगती। परिवार में मैं देखता हूँ कि अब मुझे परिवार का स्वरूप, जो मैं कह रहा था कि जो प्रचलित मान्यताएं हैं, अब उसको मैं ओपन अप करके ऑब्जर्व करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हमने एक स्वीकृति के रूप में बनाया हुआ है कि स्पाउस के साथ रिलेशन ऐसा होना चाहिए, बच्चे के साथ रिलेशन ऐसा होना चाहिए, है ना, अन्य संबंधों में ऐसा होना चाहिए, परिवार का स्वरूप भी अभी हम यही मानते हैं कि पति पत्नी बच्चा, तो मैं उन चीज़ों को ओपनली ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे लगता है परिवार का स्वरूप इससे बहुत बड़ा है, तो पति पत्नी बच्चा है, माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, परंतु पूरा समाज भी परिवार के रूप में मुझे दिखाई देता है, और मैं जितना जितना फैल कर समाज की व्यवस्था में भागीदारी कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ परिवार में भी स्वीकृति बनती है, और आमतौर पर लोग जिस तरह से जीवन यापन करते हैं और मैं जिस तरह से करता हूँ, उसके फर्क को लोग देख पाते हैं, कई बार इच्छाएं पूरी ना होने से शिकायत का भाव रहता है, परंतु फिर मैं उसको अपने आप में पहले रिजॉल्व करता हूँ, अवसर मिलता है तो संवादपूर्वक रख भी देता हूँ, और मैं अपना कार्यक्रम निश्चित रखता हूँ कि ये मेरा कार्यक्रम है, तो मुझे दिखता है कि दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार चलने से तो न मैं निरंतर सुखी होने वाला हूँ, न दूसरा व्यक्ति, तो मेरा कार्यक्रम तो यही है जो मानव लक्ष्य के अर्थ में है, और इसको मैं समय समय पे जब भी अवसर मिलता है ध्यान दिलाता भी रहता हूँ, अपना कार्यक्रम मेरे कार्यक्रम को लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं, उससे उनको भी दिख जाता है कि काम तो ठीक है, फीडबैक भी मिलता है समाज से, उससे भी लोग उसके प्रति एक आश्वस्ति बनती है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन को लेकर हमें लगता है काम करने की जरूरत है ना, इस पे क्वेश्चनर्स बनाए जा सकते हैं, अब इसकी भी आवश्यकता लग रही, कुछ ऐप्स बने, जैसे हमने स्टूडेंट्स को इंडक्शन प्रोग्राम में कंटेंट प्रेजेंट कर दिया, UHV 2 में बात रख दी, है ना, बट एक कंटिन्यूस ध्यान देने के लिए कुछ ऐप बनाना, कुछ चीज़ें बनाना, उस पर शोध कार्य जरूरी है। तो अभी कुछ AICT का एक मीटिंग के दौरान कुछ ऐसी बात सुनने में आई, इससे मुझे इसकी आवश्यकता लग रही है। एक चैटबॉट बनाने की बात थी, चैटबॉट पे कुछ बच्चों के साथ मैंने शोध कार्य भी किया था, तो चैटबॉट बने, ऐप्स बने, UQ के क्वेश्चंस बने, ऐसे प्रोग्राम्स बने, और देश का जो जीने वाले भाग हैं उसको लेकर और कुछ प्रयोग व्यवहार हो, इसकी तो आवश्यकता है, उस पर हम सबको एज ए टीम काम करने की जरूरत है। जी बहुत बढ़िया भैया, एक ही छोटा क्वेश्चन है, ये बतौर इस प्रोग्राम को ना इंक्लूड करके जैसे मेन स्ट्रीम लोगों तक, मतलब सभी लोगों तक जाए, जैसे IQ टेस्ट हो जाता है जो कोई भी कर सकता है, वैसा क्यों नहीं सोच रहे हैं? देखिए, ये कोई अलग से चलने वाला काम नहीं होगा, इंसान की टीम के लिए काम होगा। अभी आप देखिए तो ये जो हम लोग 7 क्वेश्चन
अभ्यास एक और सात क्वेश्चन अभ्यास दो के कह रहे हैं ना, ये यूक्यू ही है ना। इसमें हम विचार का तो वैचारिक स्पष्टता की तो बात करेंगे नहीं, जीने की बात करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ लिविंग जुड़ा हुआ है, तो हम वो बेसिकली इंटेलिजेंस का टेस्ट तो नहीं करने वाले हैं ना, अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग लिविंग से जुड़ा हुआ है, तो किसी रूप में वो काम चल भी रहा है, जो शेयरिंग है, रिफ्लेक्शन है ना। इसको अगर व्यक्ति को कुछ अपने आप में एक रूब्रिक बना के दे दिया जाए, तो व्यक्ति अपना भी मूल्यांकन और बेहतर ढंग से कर पाएगा एक एक बिंदु पे। तो जैसे ये सात बिंदु हैं, इसको एक्सपेंड करके हम कह सकते हैं कि दिन भर में हर एक घंटे पे ये आपको नोट करके रख लेना अपने लिए, तो उससे व्यक्ति अपना ज्यादा सटीक राइट इवैल्यूएशन कर पाएगा। ये सब है, शोध कार्य के लिए खुले अवसर है सब जी। धन्यवाद, शुभकामनाएं। बढ़िया भैया जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया। बढ़िया बढ़िया भैया, एक छोटा सा प्रश्न आया है आपके बायोडाटा और बाकी अभी तक के, इसमें डायरेक्टर ये पद आपके पास मतलब नहीं है ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी जब आज सुना पहली बार, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अभ्यास दो स्टेप फोर के बारे में बताया कि अभी भी मुझे वो दिख नहीं रहा है, सेंसेशन होता है मैं अलग हूँ ऐसा लग नहीं रहा। तो ये जनरल मान्यता है कि डायरेक्टर के जो स्टाफ होता है सारे अपोनेंट्स होते हैं, उनके साथ जाने वाला मोस्टली कम हो सकता है, मेरी प्री कंडीशन है, बहुत कम रहते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा अपना जो भी आपको अनुभव है अभी वो रखेंगे कि डायरेक्टर बनने के बाद आपको क्या महसूस हुआ और कैसे आप सेंसेशन से अलग नहीं रह पा रहे, प्लीज। थैंक यू। नहीं, ये दोनों बातें तो मैंने नहीं कही, इसका कोई आपस में ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं है। जी, तो जी मैंने जैसे कहा आपको कि मुझे अपने आप में एक आवश्यकता ये दिखती है स्पष्ट रूप से, मुझे हर संबंध में न्याय करना है। जी, तो मैं इसको देख पा रहा हूँ कि मैं इसको कर पाता हूँ वहाँ पर, है ना। क्लास फोर इम्प्लाई हो, इनफैक्ट हमने जी, इस पद पे बैठने के साथ ही एक निर्णय लिया कि हम लोग हर सैटरडे को 2 घंटे की एक मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में हम सभी मनुष्य होंगे, कोई निदेशक, कोई क्लास फोर इम्प्लाई, कोई क्लास थ्री इम्प्लाई, कोई टीचर या कोई, है ना, असिस्टेंट नहीं होगा, हम सभी मनुष्य होंगे, मनुष्य के रूप में एक्सप्लोरेशन करेंगे। जी जी जी, काफी जी, और काफी ठीक बैठा वो, उससे कम से कम आशा स्पष्ट हो गया सभी को। तो ये और बात है कि सैटरडेज को कुछ ना कुछ और व्यस्तता कभी हो गई, या कॉलेज में छुट्टी रही, या कोई कार्यक्रम और बन गया, तो कॉलेज में तो नहीं रख पाए रेगुलरली बहुत, बट इससे मैसेज चला गया। और फिर मैं ये भी अपने आप में देख पाता हूँ कि किसी भी संस्था में दो तरह से क्रियाशील हुआ जा सकता है। एक तो यह है कि हम समस्याओं से जूझते रहें, समस्याएं आती रहें और जूझते रहें। दूसरा है कि सीधे सीधे समाधान के लिए काम किया जाए, तो जो समस्या कारक चीजें हैं वो भी रिजॉल्व होने लगती हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि, है ना, सभी वर्कशॉप से गुजर जाएं। कुछ लोग सीधे सीधे स्वीकार करके गुजर जाते हैं, कुछ लोग थोड़े रेजिस्टेंस करते हैं, नहीं तैयार होते हैं। तो हमने, है ना, ये भी देखा कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। जैसे अभी क्लास फोर इम्प्लॉय को बहुत कम पैसा मिलता है, क्लास थ्री को भी कम ही मिलता है एनसीआर के हिसाब से, तो कई बार उनके अंदर प्रवृत्ति बनती है कि वो अनएथिकल कंडक्ट की ओर जाएं। जी, पहले हुआ भी है, मैंने इसको ऑब्जर्व भी किया है। तो मैं इन लोगों से कहता हूँ कि भाई, आप ये जो दिन भर में इतना सारा समय खाली रहता है, उसमें आप अपना वैल्यू एडिशन करो, आप वर्कशॉप अटेंड करो, आप स्किल एनहांसमेंट करो। अगर आपको लगता है कि ये जॉब आपके लिए पर्याप्त नहीं पड़ रहा है इसका पैसा, इसे कोई बेहतर जॉब के लिए अपना स्किल डेवलप करो, जो आपके पीछे खड़े लोग हैं वो आके इस काम को करेंगे, आप क्यों अनएथिकल चीजों में जाओगे। जी, तो मुझे समाधान दिखाई देता है। तो इस बात को मैं व्यक्तिगत संवाद में, मीटिंग्स में, है ना, भी रख पाता हूँ, और उसके आधार में देखता हूँ कि चीजें धीरे धीरे संवरती जा रही है। जी 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 भैया, यही हम सब अपने लिए भी देख पा रहे हैं। संस्थाओं में दो चीजों को लेकर समस्या है, एक तो लोगों के अंदर समृद्धि का भाव नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको तो सैलरी आवश्यकता से अधिक मिलती है, बट वो और अधिक सैलरी के लिए योजना कार्यक्रम बना रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिनको आवश्यकता से कम मिलता है, तो वो अनएथिकल चीजों के लिए जा रहे हैं। तो समृद्धि का भाव, अब अनएथिकल चीजों पर एक बार चले गए, फिर कोई किसी के साथ संबंध को नहीं देख पा रहा, संबंध का अभाव उससे जुड़ जाता है। संबंध का अभाव हो सकता है प्रतिस्पर्धा के कारण। दूसरा ये, चूंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस में चले गए, तो कोई किसी के साथ संबंध नहीं देख पाता। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिस कारण संस्थाओं में काम सहज गति से नहीं हो पाते, तो इस पे ठीक से काम करने की जरूरत है। और ये दिखता है कि यूनिवर्सिटी में भी अगर ठीक से एड्रेस किया जाए इन दो इश्यूज को, कि क्यों ऐसी समस्याएं हैं, उनके कंसर्न्स को भी सुना जाए, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। सिस्टम लेवल पे भी चीजें बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं,
और समझना तो मूल काम है ही, इसके लिए तो सबको समय लगाने की जरूरत है, उसको स्वीकारने की भी जरूरत है सिस्टम में कि अगर कोई स्टाफ है साल में एक हफ्ता अगर वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, ये बाकी बाकी 364 हफ्तों में इनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी और बढ़ने वाली है, इनका सुख और बढ़ने वाला है, ये बात संस्थाओं में देखने की जरूरत है। अब वैसे मैं भी कार्यवाहक हूँ, पूर्णकालिक नहीं, तो मैं इस अवसर का सदुपयोग भर कर रहा हूँ। नहीं नहीं भैया, ठीक है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, आपने जो बात बताई वो हम अपने लिए देखेंगे, क्योंकि हमें भी अभी आगे आने वाले समय में हो सकता है ये काम करना पड़े। तो भैया नमस्ते, नमस्ते सभी को, धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया जी, नमस्ते। नमस्ते कुमार भैया, सभी को नमस्ते। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ईमानदारी से, बहुत सिंसियरिटी के साथ आपने सब बातों को इतने अच्छे से रखा। आई एम श्योर कि सबके लिए ये बहुत बहुत प्रेरणा रहेगा। आपने कुछ बातें कही जो मुझे लगता है कि जैसे मैं भी बहुत कुछ इसमें से देख पाई, जैसे कि आपने कहा कि हर संबंध में न्याय करने की आपकी इच्छा रहती है और आप किसी से शिकायत नहीं रखते हैं, ये बात मुझे भी दिखी अक्सर कि हम सब आपस में जब टीम करते हैं एक दूसरे से, हम लोग सब मुझे लगता है बहुत कुछ सीखते हैं जब हम भागीदारी साथ में करते हैं, तो ये बात भी मुझे बहुत अक्सर दिखी आपके लिए। और जो आपने ये भी कहा कि अपनी से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करना आपको बहुत स्पष्ट है, ये आई थिंक हम सबको ही बहुत अच्छे से दिखाई पड़ता है। आपकी भागीदारी हर वॉलंटियरिंग एक्टिविटी में दिखती है, कभी वो चाहे वो रिसोर्स पर्सन के रूप में हो, चाहे वो मटेरियल डेवलप करने के लिए हो, या मीटिंग्स में रहना, और सब जगह में मतलब दिखता है कि आपकी भागीदारी बहुत अच्छे से दिखाई देती है। और ये जो जिम्मेदारी का भाव भी आपने कहा, तो मुझे लगता है कि शिक्षा में मूल्यों को लाने की जो बात है उसमें आपका बहुत तीव्र मतलब वो इच्छा है, उस डायरेक्शन में आपने बहुत सारा काम भी किया है और आगे भी करते रहेंगे ऐसा भी दिखाई देता है। मुझे लगता है समृद्धि के भाव के लिए भी आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है और उससे भी हम सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है। ये तो सही बात है कि फैसिलिटेशन जो भी हम लोग करते हैं उससे अपना भी बहुत सी बातों पर ध्यान जाता है, और सबकी शेयरिंग के साथ जब हमें भी प्रश्नों का उत्तर देने की बात आती है, तो हम भी अपने अंदर उस बारे में, वो चीज के बारे में और विचार भी करते हैं और उसको और अच्छे से देखने का भी प्रयास करते हैं। तो ये सब बातें मुझे तो बहुत क्लोजली लगा कि आप जो शेयरिंग की बहुत ही अच्छी रही, बहुत प्रेरणादायक रही सभी के लिए। मैं कहूँगी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह हम सब एक दूसरे से सीखते रहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। राजुल जी भी धन्यवाद दीदी। नमस्ते कुमार। नमस्ते भैया। हम लोग शायद पहली बार 2006 में मिले थे। जी। बहुत यात्रा हो गई है। तो हम तीन चीजें कहना चाहेंगे कुमार आपके लिए। एक नंबर पे तो जो आपकी निष्ठा है, जो आपका श्रेष्ठता की पहचान है और मर्यादा पूर्वक जीने का अभ्यास है, ये मतलब बहुत सराहनीय भी है और मतलब इससे बाकी लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं एक नंबर पे। और इसी कारण हमको लगता है कि आपने इतनी निष्ठा के साथ में जो सीखने समझने का, जो अपने ऊपर काम करने का काम किया है, बीटेक के टाइम से ही
जो शुरू किया और फिर संस्थान में अकेले रह करके, वो तो हमारे टाइम के पहले था, बट वो दीदी बताती है। तो बहुत ही आपके साथ में स्नेह है दीदी का, गणेश जी का, उसमें आप एक तरह से पले बड़े हैं, तो वो एक बात हमको कहनी है। दूसरा जो क्लैरिटी है अपने विचार में और अपने जो उसके बाद में ही है, हमको लगता है कि विचार में एक बार क्लैरिटी होगी तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके डायरेक्टली देखने का काम भी हो सकता है। तो विचार वाली जो क्लैरिटी है और जितना भी देखा है आपने, वो बहुत क्लियरली आपने सिंसियरली रखा है उसको, और उसमें जो मतलब जैसे आप कोई भी प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसके अंदर एक बहुत विड्थ दिखता है, सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं कहते हैं, और इसमें यह भी दिखता है कि आपका पूरा ओरिएंटेशन सॉल्यूशन पे है रादर देन प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत अभी प्रॉब्लम के ऊपर भी है, बट ज्यादा जो है 90% हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन के ऊपर है, कि भी इसमें से क्या निकल सकता है, इसमें से क्या पॉसिबल है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये दूसरी बात है कि क्लैरिटी अपने में, जो वस्तु की क्लैरिटी है, जैसा अस्तित्व है उसकी क्लैरिटी है, जैसी दृष्टि है उसकी जो क्लैरिटी बनी है और उसको शेयर भी कर सकते हैं, तो वो दूसरी बात है। और तीसरी बात ये कहना चाहेंगे कि आपका बहुत कोमल स्वभाव है, बहुत किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, इन स्पाइट ऑफ कि भी इतनी सारी विषमताएं हैं ऑल अराउंड, उसके बावजूद भी इतनी धीरता के साथ में आप अब लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कुमार। प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट निष्ठा में तो मैं आपको अपने से कहीं बहुत आगे पाता हूँ। मैं देखता भी रहता हूँ कि आप जिस काम को लेते हैं उसको करते रहते हैं, उसे कभी ऊबते थकते नहीं है, और मैं इसको स्वयं में भी अपने आप में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप तो स्वयं मेरे लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत थे, और दीदी भी। दीदी जिस तरह से हर सुबह उठकर इतना सारा समय लगाती हैं और जिस क्लैरिटी के साथ बात को रखती हैं, और इनफैक्ट आपका पूरा परिवार ही मैं कहूँगा समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है एक दंपति के रूप में, और अर्जुन भी जिस तरह समय लगाते हैं, तो हम सब लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि देखिए पूरा परिवार कैसे लगा हुआ है। जब ऑनलाइन मोड में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो उस समय हम लोग सब इस बात को कहा करते कि देखिए पूरा परिवार लगा हुआ है ना, इस बात को समाज तक कैसे पहुँचाया जाए, और कितनी निष्ठापूर्वक लगा हुआ है। तो मैं तो कहूँगा पूरा परिवार ही आप का हमारे सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। देखिए सब लोग, अभी इन्होंने फिर डायरेक्ट कर दिया हम लोग के ऊपर। बहुत बहुत शुभकामनाएं कुमार। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद शर्मिला दीदी, धन्यवाद राजल भैया, सारे मेंटर्स के प्रति कृतज्ञता है कि आप जिस तरह से हमें सभी वॉलंटियर्स को गाइड कर रहे हैं, धन्यवाद सभी का जी। नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। भैया को का शेयरिंग सुनते हुए, क्योंकि आप मेरे मेंटर हैं, तो बहुत ही आह्लादित हूँ, और मेरी जो आपसे प्रेरणा मिलती है उस प्रेरणा में तीव्रता बढ़ गई है। आभार भैया। भैया प्रणाम जी। प्रणाम भैया, बहुत 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 अच्छा लगा आपको सुन करके, और दो चीज का दिलासा हुआ कि एक तो कि जब आप इतने समय से आप कर रहे हैं और आप इतनी स्पष्टता से इतनी ईमानदारी से बोल पा रहे हैं कि मेरे को ये नहीं दिख रहा है और वो दिख रहा है, हम तो कंफ्यूज रहते थे कि हम इस बारे में ईमानदार हैं कि बेईमान हो रहे हैं कि हमें ये दिख रहा है और नहीं दिख रहा है। तो बहुत दिलासा मिला दिल को कि मतलब जैसे हम धीरे, अगर हमारी गति धीमी भी है तो हम उस धीमी गति में भी करते रहे चीजों को। धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन करके। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। शीशराम जी, आपको माइक दिया है। सभी को नमस्ते। कुमार भैया नमस्ते।
आपके जो दिल्ली के प्रश्नों के उत्तर और जो आज आपने शेयरिंग रखी है, जो प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत ही सराहनीय है। हम भी आपसे प्रेरणा पाके आप जैसे ही बनने के प्रयास में हैं। मेरा एक का ये क्वेश्चन बन रहा है, प्रश्न बन रहा है कि जैसे भी आप एक एक व्यवस्थित इकाई मानव के रूप में, व्यवस्थित इकाई के रूप में तैयार होके या व्यवस्थित होके आप एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हो, क्या भैया ये समाधान समृद्धि उसको निश्चित करने से पहले भी कहीं एक व्यवस्था में भागीदारी के लिए पॉसिबिलिटी बनती है, या मतलब इसके बाद ही बनेगी यहाँ आके थोड़ा सा एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी की? मैं स्वयं अगर व्यवस्थित नहीं होगा तो एक, क्योंकि समझदार ईमानदारी के बाद ही भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है, ऐसा मैं एक पत्र में, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, समझने के क्रम में सभी साथ साथ चलते हैं। तो स्वयं में व्यवस्था के लिए काम करते हैं तो अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी को भी ठीक से कर पाते हैं, और जितना फैल कर अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए काम करते हैं उतना स्वयं में व्यवस्था के लिए भी काम कर पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं। तो भैया स्वयं में जांचना और जी कर देखना, उसी को दूसरे रूप में कहें तो स्वयं में व्यवस्था के लिए काम करना, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करना, तीसरे रूप में कहें तो समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, भागीदारी, ये सब एक साथ चलते हैं। तो जितना जितना भागीदारी करेंगे उतनी ईमानदारी बढ़ेगी, उतनी समझदारी भी बढ़ेगी, जितना समझदारी बढ़ेगी उतना हमारी भागीदारी बढ़ेगी। तो जो हमारा विकास जागृति का क्रम है उसमें ये सभी साथ साथ चलेंगे। बढ़िया, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में तो प्रकृति सहज ही, मेरे को लगता है, स्वयं व्यवस्था और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है, मानव को तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा सर। तो आपने बहुत तो, बढ़िया हमें साथ को तो साथ काम चले। करना है जी, चैतन्य निकायों को ही तो काम करना है। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, आपकी शेयरिंग सुन के बहुत सुंदर, अच्छा लगा, और हमारे को प्रेरणा वो आगे बढ़ने की मिल ही रही, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। भैया वो संस्कार के बारे में आपने जो बताया, कुछ संस्कार अभी भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे और उसमें परिमार्जन नहीं होता, तो वो संस्कार के बारे में कुछ आप डिटेल में बताइए, आपका एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं। भैया जितना जितना ये संबंध स्पष्ट नहीं है उतना उतना सारा संस्कार अपने अंदर बना हुआ है। तो देखिए तो बहुत बड़ा जमावड़ा है वो, तो मतलब जितना जितना संबंध स्पष्ट होगा उतना हमारे अंदर सुसंस्कार बनेंगे, जितना अस्पष्ट होगा उतने अन्यथा संस्कार रहेंगे ही रहेंगे। वैसे जितना व्यवस्था स्पष्ट नहीं है उसको लेकर अन्यथा संस्कार रहेंगे ही रहेंगे। तो मुझे ये दिखता है कि अपने संस्कारों से जूझना मुख्य काम नहीं है, मुख्य काम तो चिंतन, बोध, अनुभव के लिए काम करना है, बट अपने संस्कार क्या क्या बने हुए हैं उसका पता लगता रहता है। बट मैं उसको टारगेट ना करके अपनी सहस्वीकृति को देखते हुए है ना, चिंतन बोध अनुभव के लिए काम करने को ही मुख्य कार्यक्रम मानता हूँ। बहुत अच्छा भैया, धन्यवाद। मैं बस अपनी तरफ से बागड़िया सर के लिए, श्री गणेश बागड़िया जी के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने हैंड होल्डिंग की है मेरी डे वन से और आज भी कर रहे हैं, मैं बहुत गहरे में स्वीकारता हूँ उस चीज को। धन्यवाद जी भैया, धन्यवाद। आज हम सभी ने इन्हीं सेशन में पहले सुनील भैया की और हिंदी सत्र में फिर कुमार भैया की बहुत ही सुंदर शेयरिंग को सुना। हम सभी के लिए ये शेयरिंग्स काफ़ी प्रेरणादायक रही हैं, तो सभी साथियों का इस सत्र को सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद।